सो हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। अ थिन यूनिफॉर्म बार लाइज ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड फ्री टू मूव इन एनी वे ऑन सरफेस। इट्स मास इज 0.16 केजी एंड लेंथ इज √3 मीटर। टू पार्टिकल्स ऑफ मास 0.8 केजी आर मूविंग ऑन सेम सरफेस टूवर्ड्स द बार इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। वन विद वेलोसिटी 10 meter per second एंड अनदर विद वेलोसिटी 6 meter per second एज शोन इन द फिगर। द फर्स्ट पार्टिकल स्ट्राइक्स एट ए एंड द अदर पार्टिकल स्ट्राइक्स एट बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 meter फ्रॉम सेंटर ऑफ द बार। द पार्टिकल स्ट्राइक्स द बार एट सेम इंस्टेंट एंड स्टिक टू द बार ऑन कोलिजन। कैलकुलेट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन बेटे। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन 1991 में आया भी है, तो अपन लोग क्या क्या अप्रोच यहाँ पर लगा सकते हैं। पहली बात तो बेटे कि जब कोलिजन होता है तो कोई फोर्स तो एक्सटर्नल लगता नहीं, तो इसलिए बेटे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कराते हैं। लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने का मतलब होता है बेटे क्या, पहले दो पार्टिकल्स थे, बाद में ये एक रॉड भी हो गया, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम को जब आप बेटे कंजर्व कराओगे, तो पहले लीनियर मोमेंटम कितना था, पहले क्या था बेटे, एक पार्टिकल दो, अच्छा दोनों पार्टिकल के मास 0.8 है, तो हम क्या लिखेंगे बेटे 0.08 × 10 + 0.08 × 6, यही था। बाद में क्या था बेटे, सब कुछ स्टिक कर गया, तो स्टिक करने के बाद टोटल मास कितना हो गया, 0.8 है और ऐसे दो हैं और प्लस ये 0.6 है, तो आई थिंक ये टोटल मास मतलब 2 times अपना 0.16 प्लस 2 times 0.08, तो ये हो जाएगा आई थिंक इट विल बी 0.16 प्लस 0.16 और ये ऐड करेंगे तो 0.32 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 0.32 इंटू वी कह सकते हैं। यहाँ से जब आप बेटे वी निकालोगे देन वी विल कम्स आउट टू बी 4 meter per second उसका, यानी कि कोलिजन के बाद ये जो अपना ये पूरा सिस्टम है ये 4 meter per second square की स्पीड से आगे बढ़ेगा, राइट। अब इसके बाद बेटे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम एंगुलर मोमेंटम को भी कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि अगर ये सेंटर है बेटे, ये क्या है बेटे अपना सेंटर है, तो पहले तो बस सिर्फ यही दो थे, तो पहले अगर यही दो थे तो हम इसके लिए बेटे लगा देंगे फॉर्मूला एम वी आर। तो इसका एम कितना है, एम है बेटे क्या 0.08, इसका वी कितना है बेटे 10, आर कितना है हमें दिया हुआ 0.5 प्लस 0.8 × 6 × 0.5। बाद में बेटे क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी आ गया, आई ओमेगा। अब बेटे ये आई निकालना एक अलग, अब आप लोग खुद से कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये वैल्यू तो जो भी अपने को दिया हुआ है इसे ऐसे साइड में रखते हैं। अब बेटे जब हम आई निकालेंगे तो आई हमारे पास क्या आता है, आई के लिए बेटे हमारे पास एक तो ये रॉड है, तो रॉड का आई क्या होता है बेटे एम एल स्क्वायर बाई 12। रॉड का मास कितना दिया है 0.16। एल कितना है बेटे रॉड का, √3 / 12। उसके बाद बेटे दो पार्टिकल्स भी हैं, लेकिन दोनों पार्टिकल के लिए तो बेटे एम आर स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, तो हम क्या लिखेंगे बेटे 0.08 × एक पार्टिकल का आर कितना दिया बेटे अपने को 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.08 × 0.5 का स्क्वायर। हम बेटे जब इन सबको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आप खुद ही करें, तो ये आंसर आता है 0.08 kg/m². ये आपका आई आ गया। अब जैसे बेटे इस आई को इक्वेशन वन में फीड करोगे, अब इसके बाद क्या करते बेटे अपने को इक्वेशन वन लेना है, इक्वेशन वन में फीड करोगे तो बेटे ओमेगा की वैल्यू बेटे आ जाती है आपकी 2 radian/s ओमेगा आ गया। अब बेटे अपने को निकालना है लॉस ऑफ के ई, तो लॉस ऑफ के ई कैसे निकालते हैं, इनिशियली कितनी काइनेटिक एनर्जी थी फाइनली कितनी हो गई, तो लॉस ऑफ के ई कैसे निकालेंगे, लॉस ऑफ के ई
कैलकुलेशन का पार्ट बेटे मैं आप पे छोड़ूंगा। तो पहले हमारे पास क्या था, या फिर मैं इधर बीच में लिख देता हूँ, इधर देखो यहाँ लिखता हूँ लॉस ऑफ के स्पेस का। मैं तो लॉस ऑफ के क्या लिखेंगे बेटे, पहले हमारी कितनी काइनेटिक है, तो पहले बेटे सिर्फ दो पार्टिकल्स थे, तो हाफ 0.08 × 10 का स्क्वायर था, प्लस हाफ और क्या था बेटे, 0.08 × 6 का स्क्वायर था। बाद में बेटे ये सब कंबाइन कर गए थे, और कॉम्बिनेशन का मास हमने देखा बेटे कितना आ गया था, 0.32। तो माइनस हाफ 0.32, और कॉम्बिनेशन की स्पीड कितनी आई थी बेटे, 4 का स्क्वायर। माइनस माइनस बेटे फिर क्या करोगे, आई ओमेगा, क्योंकि बाद में तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, तो हाफ आई कितना बेटे, 0.01, 0.08 है बेटे, तो 0.08 करो इसको, 0.08 × 0.08 × ओमेगा का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। अब जब ये वैल्यू, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा बेटे आपको ये 0.08 है, 0.08, ये थोड़ा कंफ्यूज ना हो, तो ये दो वैल्यूज बेटे प्लस की हैं, ये और ये माइनस की हैं। इससे जब कैलकुलेट करोगे तो जो आपका लॉस ऑफ के आएगा वो 2.72 जूल्स का आएगा। कितने का बेटा आएगा, 2.72 जूल्स का आंसर आएगा, और यही आपका आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।